आज के जमाने में लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस है। सब लोग अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि आज का जो जमाना है बैक्टीरिया और वायरस का जमाना है। कहीं पे भी छूने से पहले हम लाख बार सोचते हैं कि क्या ये छूना अच्छा तो रहेगा, क्या ये जगह साफ तो है, क्या हम हेल्दी तो रह पाएंगे। ऐसी कोई जगह पर हम काम करते हैं जहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया का खतरा ज्यादा हो, तो वहां पे हम हाथ में ग्लोव्स पहनते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं या फिर बार बार अपने हाथ धोते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जिसको समझ पाना शायद नामुमकिन है, क्योंकि आप अपनी नजरों से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, ना ही आप जान पाते हो कि कहां पर बैक्टीरिया है कहां पर नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप मेरा ये वीडियो अपने मोबाइल से देख रहे हो तो क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल के ऊपर कितने बैक्टीरिया है? आप रोज ब्रश करते हो तो क्या आपको पता है कि ब्रश करने के बावजूद भी आपके मुंह में कितने बैक्टीरिया रह जाते हैं? आप नहीं जानते। क्या आपको अभी पता है कि आपके बॉडी में कितने बैक्टीरिया है? अभी कितने अच्छे बैक्टीरिया है, कितने बुरे बैक्टीरिया है, आपको कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बैक्टीरिया के ऊपर है। बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, कुछ ऐसे सच बताने वाला हूँ, आप जानोगे तो चौंक जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खाने पीने में हम बहुत ध्यान रखते हैं कि कहीं हमें कोई बीमारी ना लग जाए, ठीक है। हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए, हमारे ब्लड को क्लीन करने के लिए बहुत कुछ दवाइयां, ये वो बहुत सारी चीजें का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन आपको पता है आपके बॉडी में कितने बैक्टीरिया होते हैं? नॉर्मली एक इंसान में इतने बैक्टीरिया होते हैं जिसको साथ में मिलाया जाए तो उसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। अगर ऑफिस में काम करते हो तो अपने ऑफिस के टेबल को, अपने ऑफिस के डेस्क को साफ बहुत बार करते होगे, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं है कि नॉर्मली एक ऑफिस डेस्क पे टॉयलेट सीट से 400 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होता है। आपको अपना मुंह बहुत ही साफ लगता होगा, लेकिन आपके मुंह में इतने बैक्टीरिया है जितने की इस दुनिया में इंसान नहीं है। तो गर्मियों की सीजन के बाद जब पहली बारिश होती है और पहली ही बारिश में जब मिट्टी भीगती है और उसकी जो खुशबू आती है, वो किसे पसंद नहीं होगी? हर किसी को पसंद होगी। आपको लगता है कि मिट्टी के ऊपर जब पानी की बूंदें गिरती है तो उसमें से खुशबू आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि गर्म जो मिट्टी होती है उस पे एक्टिनोमाइसेट्स नाम के बैक्टीरिया होते हैं, और उस बैक्टीरिया पे जब पानी गिरता है तब उसमें से खुशबू आती है और आपको लगता है कि ये मिट्टी की खुशबू है। आपके मोबाइल का बहुत ही ख्याल रखते होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से उसको संभालते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि नॉर्मली एक मोबाइल फोन पे एक टॉयलेट के हैंडल से 18 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो जब कोई इंसान गर्मी से आए और पसीने से लोटपोट होकर आपके बाजू में आकर बैठ जाए तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, आप अपना नाक बंद कर लोगे या फिर उससे दूर चले जाओगे, क्योंकि उसके पसीने की बदबू से आप परेशान हो जाओगे। ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। जब इंसान पसीने से लोटपोट हो जाता है तो उसके पसीने में से बदबू आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पसीने की खुद की कोई बदबू नहीं होती, कोई गंध नहीं होती। हमारे स्किन पे, हमारी त्वचा पे हमेशा कुछ टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं जो पसीने के संपर्क में आते हैं तब उसमें से बदबू आने लगती है। यानी कि पसीने की बदबू नहीं होती, वो बैक्टीरिया की बदबू होती है। आप रोज सुबह ब्रश करते हो? अगर ब्रश करते हो तो ब्रश करने के तुरंत बाद आपको लगता है कि आपका मुंह एकदम ही फ्रेश है। बहुत सारी टूथपेस्ट कंपनियां ये दावा भी करती है कि ब्रश करने के बाद 12 घंटे तक मुंह में 99.9% जर्म्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ब्रश करने के तुरंत बाद भी कितना भी फ्रेश मुंह हो, फिर भी हर एक दांत पे 1000 से लेके 1,00,000 बैक्टीरिया होते हैं। अब जो मैं बैक्टीरिया के बारे में फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा रोमांटिक फैक्ट है। जी हाँ दोस्तों, जब दो लोग किस करते हैं तो वो 1,00,000 से लेके 1 अरब तक बैक्टीरिया ट्रांसफर करते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया आपके लिए नुकसानकारक हो, आपके लिए हार्मफुल हो। कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल रहते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है। तो ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया जो अच्छे होते हैं, उन्हीं बैक्टीरिया में से बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयां भी बनाई जाती है। तो आपका जितना वजन है उससे कितने गुना ज्यादा वजन आप उठा सकते हो? आपका वजन 50 किलो है तो क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हो? नहीं। यानी कि नॉर्मल इंसान अपने बॉडी से दुगना वजन भी नहीं उठा सकता। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में गोनोरिया बैक्टीरिया नाम का एक जीव है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने बॉडी के वजन से 1,00,000 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। आप किसी ऑफिस में काम करते हो? आपकी ऑफिस में जेंट्स ज्यादा है या लेडीज ज्यादा है?
मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक रिसर्च ऐसा कहता है कि जिस ऑफिस में पुरुष कर्मचारी यानी कि जेंट्स एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं, उस ऑफिस में बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। आपको इस वीडियो देखकर ऐसा लगा होगा कि ये क्या हर जगह पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, कोई अच्छी खबर है कि नहीं? ये है ना, मैं आपको सुना देता हूँ कि जब एक इंसान पैदा होता है तभी पैदा होने के बाद सिर्फ 5 मिनट तक का ऐसा टाइम होता है जब उसके बॉडी में कोई बैक्टीरिया नहीं होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? बैक्टीरिया के बारे में आपको बहुत कुछ नई इंटरेस्टिंग जानकारियां मिली होगी, तो हमारे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलते रहेंगे ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।